नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नारायणपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ का यह मामला अबूझमाड़ के गोमागाल जंगल में मुठभेड़ हुई है। दो नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। तो नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ की यह खबर आ रही है नारायणपुर से। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, इलाके में जवानों की तरफ से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, ये कुछ हथियार हैं जो मौके से भी बरामद हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इलाके में अभी सर्चिंग अभियान जारी है, लगातार जवानों की तरफ से सर्च किया जा रहा है कि कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं ये नक्सली। पुलिस से लेकर सेना के जवानों की नजर बनी हुई है नक्सलियों की गतिविधियों पर। नारायणपुर में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है और सर्चिंग अभियान भी लगातार जारी है। सुकमा और बीजापुर जिले के सीमा पर टेकलगुड़ा कैंप पर नक्सलियों ने 30 जनवरी को हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसी इलाके के सिलगेर पहुंचे और अधिकारियों के साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने की रणनीति पर मंथन किया। डिप्टी सीएम का टेकलगुड़ा कैंप का दौरा सुरक्षा कारणों से टल गया है, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में बने सिलगेर कैंप पहुंचे। उन्होंने जवानों और अधिकारियों के साथ चर्चा की, साथ ही नक्सलियों पर एक्शन को लेकर डीआरजी, सीआरपीएफ, बस्तर फाइटर और कोबरा जवानों अधिकारियों के साथ कार्रवाई को लेकर चर्चा की। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर घोर नक्सली इलाका है, जहां अब रात दिन फोर्स का मूवमेंट रहता है। सुरक्षा बल नक्सलियों के जवानों पर हमले के बाद घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को जवान कब्जे में लेने की तैयारियों में हैं। जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया जाएगा और हिड़मा सहित कई बड़े नक्सलियों को टारगेट किया जाएगा। इस दौरान काफी एक जो हाई इंटेंसिटी जो रेजिस्टेंस होने का पूरा संभावना थे, उसी हिसाब से दिनांक 30 जनवरी को भी घटनाक्रम हुआ। लेकिन हमारा जवान और हमारा संपूर्ण फोर्स इन सब परिस्थिति को सामने करने के लिए मानसिक रूप से और टेक्नोलॉजिकली और वेपन फायर पावर के हिसाब से पूरा तैयारी के साथ गए थे, और आने वाले समय और हम मजबूत इरादे के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, ताकि वंस फॉर ऑल ये समस्या को समाधान करके क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाने का हमारा इरादा, उसमें हम सफल होगा। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर बसा सिलगेर और टेकलगुड़ा गांव और इसके आसपास का इलाका घोर नक्सली प्रभावित है। यहां के लोगों तक विकास पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने कैंप लगाया। टेकलगुड़ा कैंप पर 30 जनवरी को नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। इस हमले का मास्टरमाइंड बरसा देवा था, जो हमले को लीड कर रहा था। अब सुरक्षा बल नक्सलियों पर बड़े प्रहार की तैयारियों में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिड़मा के गढ़ में फोर्स पहुंच चुकी है और अब इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होगा और इस इलाके को नक्सली मुक्त किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों तक विकास पहुंच सके और इस नक्सल प्रभावित इलाके के लोग भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सुकमा बीजापुर जिले का सीमावर्ती जगरगुंडा थाना क्षेत्र कई सालों से नक्सल समस्या से प्रभावित है। इस इलाके से नक्सली दक्षिण बस्तर यानी कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में समानांतर सरकार चलाते हैं। ये इलाका नक्सलियों के लिए और अहम है, क्योंकि सबसे खतरनाक बटालियन काम करती है। नक्सलियों के इस गढ़ में फोर्स दस्तक दे चुकी है। सिलगेर में सुरक्षा बलों ने कैंप बनाया, लेकिन यहाँ कैंप बनने से पहले ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद यहां कैंप खुला और यहां के लोगों तक विकास पहुंचा और लोगों को इसका फायदा हुआ।
देखिए, सिलगेर एक ऐसा जगह है जो दोनों तरफ से, एक अगर आप नक्सलियों के मामले में देखेंगे तो उनका राजधानी कह सकते हैं। दक्षिण बस्तर का जो इलाका है उसमें नक्सलियों का जो ज़्यादा पकड़ है उस सिलगेर इलाका है, जहाँ से वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे कोई भी वारदात करना हो किसी भी मामले में हो। सिलगेर ऐसा इलाका है जहाँ से नक्सली पूरा दक्षिण बस्तर के लिए, चाहे बीजापुर ले लीजिए आप, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, ये सभी का जो सेंटर सिलगेर पड़ता है, तो वहाँ से वो लोग मॉनिटरिंग करते हैं। कुछ साल पहले सिलगेर में कैंप स्थापित किया गया, जहां पर भारी विरोध हुआ और उस विरोध में 3 आदिवासी भी मारे गए थे। उसके बाद वहां कैंप स्थापित हुआ। आज सिलगेर में सड़क पहुंच चुका है, स्वास्थ्य पहुंच चुका है, वहां पर स्कूल खुल चुके हैं। वही प्रयास कुछ दिन से उससे आगे किया जा रहा है, टेकलगुड़ा गाँव में, जो कि सिलगेर से 7 किलोमीटर दूर है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन के लिए कुछ दिन पहले टेकलगुड़ा में जवानों ने कैंप खोला। इस इलाके में नक्सली नहीं चाहते कि सुरक्षा बल के जवान पहुंचे। 30 जनवरी को नक्सलियों ने टेकलगुड़ा कैंप को निशाना बनाया, लेकिन फोर्स नक्सलियों के घोर इलाके में दस्तक दे चुकी है और इस इलाके से जल्द ही नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। वहाँ पर 30 जनवरी को कैंप स्थापित किया गया है और इस कैंप के विरोध में 31 जनवरी को नक्सलियों ने हमला बोला और जिसमें 3 जवान शहीद हुए। वो इलाका नक्सलियों के लिए भी काफी अहम इसलिए है क्योंकि वो उनका सुरक्षित इलाका है। उस इलाके में बटालियन काम करती है और वहीं से तीनों जिले, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, दक्षिण बस्तर की जितने भी नक्सल गतिविधि होती है वहीं से संचालित होती है। और वही इलाका जवानों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से लगातार कैंप खुलते आ रहे हैं। दोरनापाल से जगरगुंडा की रोड लगभग काम जो है चल रहा है। अब फोर्स उससे और एक आगे कदम बढ़ा के पूर्ति इलाका जाना चाहती है, जो नक्सलियों का बेस इलाका माना जाता है उस इलाके में जाना चाहती है, वहां पर कैंप स्थापित करना चाहती है ताकि वहां पर शांति स्थापित हो सके। इन तमाम देखा जाए तो उस इलाके में अब जो है फोर्स भी हिड़मा के गढ़ को घेरने की तैयारी कर रहा है। वही नक्सली भी लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जवान वहां पर मुस्तैद हैं और जवान लगातार उस इलाके में नए कैंप खोल रहे हैं। आने वाले दिनों में उस इलाके में और कैंप खोले जाएंगे। सभी चांडक, न्यूज 18, सुकमा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो